जोर लगा के हईशा, तीन तीन ट्रैक्टर ने पूरा जोर लगाया, पूरा एक्सलेटर दबा दिया, लेकिन विशालकाय हेलीकॉप्टर चिनूक टस से मस नहीं हुआ, एक इंच भी नहीं खिसका। निढाल पड़े अमेरिका में बने आधुनिक हेलीकॉप्टर चिनूक की ये हाल बिहार के बक्सर में है। 25 अगस्त को तकनीकी खराबी के कारण इस चिनूक की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तभी चिनूक हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। हेलीकॉप्टर को निकालने के लिए काफी कोशिश की गई। आज स्थानीय लोगों से तीन ट्रैक्टर मंगाए गए, तीनों ने एक साथ हेलीकॉप्टर को खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर साजो सामान के साथ आए वायुसेना के इंजीनियर भी इसे दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक टेक ऑफ नहीं करवा पाए। दुनिया के नंबर वन आतंकी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में लगाए गए चिनूक पर यहां कोई दाव काम नहीं आ रहा। बुधवार शाम को इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान के दौरान चिनूक के पंखे से चिंगारी निकलने लगी। आनंद फानन में इसे बक्सर के रायपुर ब्लॉक के मणिकपुर हाई स्कूल में उतारा गया। मैदान में पानी होने के कारण भारी भरकम हेलीकॉप्टर का पहिया जमीन में धस गया, लेकिन वायुसेना के सभी अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। 10 टन वजन वाला चिनूक आपदा में काम आता है, दूर दराज और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन में लगाया जाता है, लेकिन इस चिनूक को खुद मदद की दरकार है ताकि फिर से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सके।